हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ट्रेडर्स एचआर मिस्टर ग्रुप। सो फ्राइडे के लिए निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि आज जो आरबीआई एमपीसी का जो 3 दिन का जो मीटिंग चल रहा है, इसका रिजल्ट आने वाला है। तो इसके बदौलत मार्केट में किस टाइप का मूव हो सकता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और टेक्निकली मार्केट क्या शो कर रहा है, इसको भी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, यहाँ पे आरबीआई का एमसी का जो आउटपुट आने वाला है, वो सबको पता है कि रेट हाइक होगा, क्योंकि यूएस मार्केट में भी ऐसे ही हुआ था, इन्फ्लेशन हुआ था, रेट हाइक हुआ था। लेकिन ये रेट हाइक सुन सुन के ज़्यादा कुछ मतलब असर नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे यूएस मार्केट में जब फेड का मीटिंग था, रेट हाइक हुआ था, उसी दिन मार्केट में अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिला था। तो इंडियन मार्केट में भी ऐसा हो सकता है, कुछ बड़ा बात नहीं है। तो जो भी मतलब आरबीआई एमसीपी की एमपीसी का जो भी मतलब आउटकम आना था, मतलब जो भी रिफ्लेक्शन रहेगा स्टॉक मार्केट ऊपर, वो काल जीत दिख चुका है मेरे हिसाब से। काल बड़ा फॉल हुआ था मार्केट में। तो आप हमारा टेलीग्राम में अगर होंगे तो आपको जो कॉल दिया गया था, ये कॉल आपको 20 टाइम्स 25 टाइम्स हो गया था, जो 37,800 पी का कॉल, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा हम पे, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप का ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारा ट्रेडिंग प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए क्या हो सकता है, ग्लोबल सिनेरियो अगर आप देखेंगे, ग्लोबल क्यू लगभग फ्लैट है। यहाँ पे डाउ जोन एक रेंज में मूवमेंट किया, 60-70 पॉइंट का एक रेंज है, उसी रेंज में मूव किया है और लगभग फ्लैट, लेकिन नेगेटिव थोड़ा क्लोज हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट है। 70-80 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज हुआ है, जो कि फ्लैट है। तो सुबह सुबह अगर आप देखेंगे डाउ जोन फ्यूचर लगभग 40 पॉइंट प्लस चल रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी अगर देखेंगे, इट इज़ ट्रेडिंग लगभग कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 17,440 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आज का मार्केट में क्या हो सकता है, देखिए 17,495 और 500, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, क्योंकि कल इसी लेवल से हम लोग को अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था। एंड इसका जो लोअर रेंज है 17,200, ये एक सपोर्ट जैसा काम करेगा। तो मार्केट का मूवमेंट जो रहेगा इसी रेंज में ही मूव करेगा पहले, ठीक है। अगर मार्केट 17,500 को सस्टेन कर लेता है, हम लोग को सिंपल सा जाना है टुवर्ड्स अपसाइड 17,687 का रेंज में, मतलब 680 के टुवर्ड्स मूवमेंट दिखाएगा आपको। अगर फिर से 17,500 का रेंज में हमें यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो पहला जो टारगेट रहेगा 17,385 और इसके बाद 17,200। तो आज आरबीआई का जो रिजल्ट आने वाला है, इसलिए डेफिनेटली मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगा। मेरे हिसाब से मार्केट में बड़ा डाउनफॉल नहीं होगा, लेकिन मार्केट में एक वोलेटिलिटी रहेगा। मार्केट बहुत जल्द अप डाउन ऐसा होते रहेगा। तो अगर आप आज ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली ये जो रेंज को याद रखिए, 17,500, 17,385 एंड 17,200, तो ये जो रेंज में मार्केट मूवमेंट करने का चांसेस ज़्यादा है। तो जैसे ही इसी रेंज में मार्केट आएगा, आप एग्जिट हो जाएगा, तुरंत इसका अपोजिट ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। एक रेंज में मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी उसी टाइप का खेल आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे है, क्योंकि बैंक निफ्टी अच्छा रिकवर नहीं कर पाया था आज, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अगर आज थोड़ा सा गैप अप भी ओपन होता है, तो बैंक निफ्टी का जो रेंज रहेगा वही 3 रेंज रहेगा, 38,170, इसके बाद 37,700, इसके बाद 37,237। ये 3 रेंज में मार्केट मूव करेगा। अगर 38,170 लगभग 38,200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है, तो फिर से 300-400 पॉइंट का रैली अपसाइड में देखने को मिलेगा। अगर 38,170 से मार्केट को रिजेक्शन मिलता है, तो सिंपल सा आपको फिर से आपको जाना है यहाँ पे मिडिल रेंज में, जहाँ पे 37,700 और 37,237 भी देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे 37,700 के रेंज में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है। ये जो सपोर्ट है, इसमें अगर आपको अच्छा खासा बुलिश कैंडल दिखता है, तो आप यहाँ पे 300 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हैं ऊपर की तरफ। अगर बियरिश मूव यहाँ पे दिखाई देता है, तो आप टुवर्ड्स डाउन साइड भी ट्रेंड ले सकते हैं। लेकिन आज स्ट्रिक्टली एसएल के साथ काम कीजिए, और थोड़ा एसएल आपको उड़ जाने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये बेटर रहेगा कि आप ट्रेंड को वेट कीजिए, आरबीआई का जो रिजल्ट आने तक वेट कीजिए,
इसके बाद ट्रेंड क्लियर होगा तो आप ट्रेंड कर सकते हो। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है आप वोलेटिलिटी मार्केट में ट्रेड मत कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।